हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कंपैरिजन, जिसमें हम एडजेक्टिव को रीड कर रहे थे। कंपैरिजन यानी तुलना करना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री के रूप में। तो हम इसमें हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, ER या EST, वो वाला जो हमारा रूल था वो कम्प्लीट हो गया था। और नेक्स्ट रूल जो है वो नोट करेंगे आज। तो सम एडजेक्टिव चेंज इन स्पेशल वेज टू शो कंपैरिजन, सम एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव चेंज इन स्पेशल वे, चेंज इन स्पेशल वे, चेंज इन स्पेशल वेज टू शो कंपैरिजन, वेज टू शो कंपैरिजन। यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें हम स्पेशल वे, खास तरीके से उसको चेंज करते हैं टू शो कंपैरिजन, तुलना दिखाने के लिए। तो वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे देखो गुड, गुड ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म है। इसके जब कंपैरेटिव फॉर्म यहां बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, गुड का बेटर, क्या होता है गुड का बेटर, यह एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म होगी। अगर इसकी हम सुपरलेटिव फॉर्म चेंज करेंगे इसी एडजेक्टिव को तो क्या बन जाएगा, बेस्ट। तो स्पेशल वे हो गया इनका, जो सम एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको खास तरीके से कंपैरिजन दिखाने के लिए चेंज किया जाता है। जैसे गुड ये पॉजिटिव फॉर्म है कंपेयर उसकी एडजेक्टिव की, तो इसका बनेगा बेटर, ये कंपेरेटिव फॉर्म होगी, और ये बेस्ट, ये क्या होगी, सुपरलेटिव फॉर्म। तो गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरह से बैड, वर्स और वर्स्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये होगी इसकी चेंज। इसी तरह से लिटिल, LITTLE, लिटिल, अब लिटिल का हो जाएगा लेस और लीस्ट, लेस और लीस्ट, इसमें क्या हो गया, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, क्या हो गया, लिटिल लेस लीस्ट। ऐसे मैनी, मैनी मैनी का इधर क्या बन जाएगा, मोर, और इधर बन जाएगा मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। और इसी तरह से मच का बनेगा, इसका बनेगा मच का, मच और मोर और मोस्ट, मच मोर मोस्ट। तो ये कुछ स्पेशल एडजेक्टिव है जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म इस तरह से होती है। गुड का क्या बनता है, बेटर और बेस्ट। बैड का बनेगा बैड, वर्स और वर्स, लिटिल लेस लीस्ट, मैनी मोर और मोस्ट, और मच मोर मोस्ट। तो ये कुछ खास एडजेक्टिव हो गए जिनको इस तरह से चेंज किया जाता है। अब हम यहाँ पे इनको फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा क्या करेंगे, समझेंगे इसके द्वारा, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर हमें देखना है कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate, fill in the blanks with appropriate, adjective, adjective, fill in the blanks with appropriate adjectives
फ्रॉम द ब्रैकेट्स एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस complete the sentence यानी जो उचित एडजेक्टिव है वो चूज करके हमें ब्रैकेट से और सेंटेंस को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो हम पहले यहां पर सेंटेंस नोट करेंगे। तो ये सेंटेंस हम फर्स्ट नोट करने जा रहे हैं और सेंटेंस में क्या दिया गया है, जॉस प्रोजेक्ट George project George project was was और यहां पे fill in the blank दिया हुआ है then everybody is is then everybody is और यहां हमें दिया हुआ है गुड और बेटर। क्या दे रखा है, गुड और बेटर। अब इन दोनों में से हमने जो सही जो आपका वो है वो आपको क्या करना है, नोट करना है कि वे सही एडजेक्टिव कौन सा है, उसे नोट करके हमें नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये क्या मिल गया, देन मिल गया। और देन मिलने पे हम जो एडजेक्टिव होता है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे ये तो उसकी पॉजिटिव फॉर्म है गुड की, और ये बेटर कौन सी फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है। तो क्या फिल कर देंगे यहाँ पे हम, बेटर। क्या फिल कर देंगे यहाँ पे, बेटर। जॉर्ज प्रोजेक्ट वॉज बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। तो ये आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड में हमें दिया गया है दिस इज द और ये फिल इन द ब्लैंक्स प्ले आई हैव एवर सीन play I have ever seen और यहां मैंने रखा है bad और worst। क्या bad और worst हमें दिया गया है। तो हमने देखा कि जो fill in the blanks है उससे बिफोर क्या आ रहा है, दा आ रहा है। अगर fill in the blanks से बिफोर क्या आता है, दा आता है, तब हम वहां पे जो एडजेक्टिव होता है उसकी सुपरलेटिव जो फॉर्म होती है उसे फिल करते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो खाली जगह उसके बाद में क्या आता है, देन आता है, तब हम कंपैरेटिव फॉर्म है उसको फिल करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स से पहले क्या आया था, द आया था, तब हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी कौन सी फॉर्म फिल करेंगे, सुपरलेटिव फॉर्म। तो वहां पे किस क्या फिल करते हैं, यहाँ था WORST मोस्ट, दिस इज द वर्स्ट प्ले आई हैव एवर सीन। नंबर थर्ड, कौन सा नंबर भाई, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर पे दिया गया है हमें सचिन तेंदुलकर, क्या दे रखा है, सचिन तेंदुलकर इज द रिंदा ब्लैंक्स, सचिन तेंदुलकर इज द टैलेंटेड बैट्समैन आई नो, टैलेंटेड बैट्समैन आई नो, टैलेंटेड बैट्समैन आई नो। और हमें वहां ब्रैकेट के अंदर दे रखा है मोर और मोस्ट, क्या लिखा है, मोर और मोस्ट।
ये हमें ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और ब्रैकेट से जो है फिल द ब्लैंक्स, उसमें हमें जो एडजेक्टिव है उसका सही जो उचित जो प्रारूप है वो फिल करना है, उचित फॉर्म जो है वो क्या करनी है, फिल करनी है। तो ये हमें दिया हुआ है कि भाई सचिन तेंदुलकर इज द, तो फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या मिल रहा है, हमें द मिल रहा है, और जब द मिलता है तो हमें जो एडजेक्टिव होता है उसकी कौन सी फॉर्म फिल करते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे मोर और मोस्ट, तो क्या आ जाएगा इसमें से, मोस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोस्ट। सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन आई नो। नंबर फोर, कौन सा नंबर, फोर नंबर, और फोर नंबर पे हमें दिया गया है दिस बोटल, दिस बोटल, दिस बोटल कंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, क्या देखता है, फिल इन द ब्लैंक्स और वाटर, यहां पर पहले हमें दिया गया है मोर और मोस्ट, क्या रखा है, सॉरी मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट, और ये वाटर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस और दिया गया इसमें, येट इट टेक्स अप, येट येट और हमें फिर दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें लीस्ट और लास्ट दिया दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें हमको क्या फिल करना है, लीस्ट और लास्ट। और फिर सेंटेंस आगे बढ़ाया है जिसमें लिखा है स्पेस इनसाइड द फ्रेज, स्पेस इनसाइड द फ्रेज, तो यहां पे दिस बोतल कंटेंट्स, अब ये बोतल के बारे में बता रहा है, मोस्ट वाटर या मोर वाटर, यस येट, फिर भी इट टेक्स अप, यानी ये रखती है स्पेस इनसाइड द फ्रिज, फ्रिज के अंदर जगह। तो यहां पे देखो बोतल के बारे में बता रहे हैं कि बोतल में अधिक मात्रा में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो मोर या मोस्ट में फिल करना है, तो दिस बोतल कंटेंस मोस्ट वाटर, क्या जाएगा, मोस्ट वाटर, येट फिर भी इट टेक्स अप लीस्ट स्पेस, लीस्ट स्पेस इनसाइड द फ्रिज, इनसाइड द फ्रिज। तो ये हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने जो सही फॉर्म है एडजेक्टिव की उसको क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किया है। तो सभी को ये नोट करने हैं, और नोट करने के साथ साथ क्या करना है, इनको फिर लर्न करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।